जल्द ही रवीना टंडन, बोमन ईरानी और अर्शद वारसी एक साथ शो जज करते नजर आने वाले हैं। जी हां, बच्चों के शो सबसे बड़ा कलाकार में तीनों एक साथ नजर आएंगे। चलिए इनसे जानते हैं कि इन्हें इस शो के बारे में क्या कहना है। मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोगों ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट ग्रेट जर्नी एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। हम नौकरी पे आ रहे हैं और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी ईजी चेयर पे बैठना है और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आज की तारीख में जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है, जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है, मुझे पता है कि अगेन में ये जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके हैं। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है मेरे दोस्त यहाँ फिल्म बनाते हैं, और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए, बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना।